हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ शादी मेकअप लुक पे, जो बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, बहुत कम टाइम में करने वाली हूँ। क्योंकि जब हमारे घर में शादी होती है ना, तो हमको बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है कि मेकअप करे करते बैठे। 1 घंटे तक हम प्लानिंग तो बहुत लंबे करते हैं, पर उतना टाइम हमको बिल्कुल नहीं होता है। तो जिस छोटे से टाइम में छोटा सा थोड़े से प्रोडक्ट्स लगा के अच्छा खासा मेकअप कर लेंगे, ताकि वो 1 घंटे वाली मेकअप और ये 15 मिनट वाली मेकअप दोनों बराबर दिखे। तो मैं चलो स्टार्ट करती हूँ। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, थोड़े से भी चीजों से आप कर सकते हैं। मतलब जो आप डेली यूज में अपने पास रखते हो ना, सबके पास सब कुछ चीजें नहीं होती है, तो जो आप डेली यूज में रखते हो ना, वो सारी चीजों से ही भी हम कर सकते हैं ये मेकअप लुक। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जल्दी से जाके, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और कमेंट में बताओ कि और आपको अभी मैं जो लुक करने वाली हूँ ना, जो मेकअप करने वाली हूँ ना, वो लहंगा के ऊपर करने वाली हूँ, मतलब लहंगा लुक रेडी करने वाली हूँ। तो आप जल्दी से जाके बताओ कि आप किसी शादी में क्या पहनने वाले हो। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। तो इसको लेके फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे ना जल्दी से बस इसको लगा लो। अगर आपका फंक्शन डे टाइम में है या नाइट टाइम में, सनस्क्रीन लगाना मत भूलो, क्योंकि शादी में आप बहुत ज्यादा लाइट्स के अंदर रहते हो, कैमरे के अंदर, कैमरे से फोकस्ड रहते हो, लाइट से फोकस्ड रहते हो, तो अपनी स्किन को ना हमेशा प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपको सनस्क्रीन तो लगाना 100% बनता है। अच्छा, मेरे ही सनस्क्रीन थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ जाता है फेस पे, ओके चलता है। अगर आपके पास भी ऐसा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अगर आपके पास फाउंडेशन है तो लो, नहीं तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो भी है आप ले सकते हो। चलो मैं बीबी क्रीम ही बताती हूँ। तो अगर आपके पास ना फाउंडेशन है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा लेके जल्दी से हाथों से ब्लेंड करके लगा लो। अगर नहीं है तो आप ये 10 रुपए के पैकेट में आने वाली बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी ले सकते हो। ये है मेरे को स्पिंज बीबी, आई थिंक स्पिंज ही बोलते हैं इसको, उसका बीबी क्रीम है। मैं इसका थोड़ा सा, देखो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, येलो टाइप का। ओके, मैंने थोड़ा सा ले लिया। अभी उसको ऐसे हाथ पे ब्लेंड करो और फिर पूरा हाथ में मिला के इस तरह से लगाओ, ताकि आपका मेकअप करने में ना बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह से मेकअप कर रहे हो, जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा मेकअप। तो अगर आपके पास आपके सेट का कंसीलर है तो ठीक है, नहीं तो आपने बीबी क्रीम लगा लिया है उसके ऊपर से पाउडर लगा लो, इतना भी कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला है। तो मेरे पास कंसीलर है तो मैं हल्का सा लगा ले रही हूं और उसको हाथों से ही ब्लेंड कर देंगे हम। कंसीलर लगा के मैंने हाथों से ही ब्लेंड कर दिया और कुछ नहीं मिलेगा, मालूम है शादी के घर में घर है तो लूज पाउडर मिल जाएगा आपको कहीं से भी। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है, लगाओ आराम से, टाइम है तो, टाइम नहीं है तो बस सीधा लूज पाउडर लो और पूरे फेस पे लगा लो। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ आईब्रो पेंसिल, तो अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लो ताकि फेस का स्ट्रक्चर दिखे। और ये करना बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 मिनट का ही, 1 मिनट का भी काम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ना ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल ली है, इसके साथ आप सेफ जा सकते हो, या ये थोड़ा ज्यादा भी लग गया तो आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, और ब्लैक कलर वाला थोड़ा ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा दिखने लगता है। इस तरह से हम अपने आईब्रोज को फिल कर देंगे। अगर आप कंटूर करना चाहते हो, आपके पास ब्राउन आईब्रो पेंसिल है, सीधा ऐसे कुछ इस तरह से लगाओ, ये आपका कंटूर का काम करेगा, 100% करेगा, देख रहे हो। तो इसमें कुछ, तो मैंने इस तरह से कंटूर के लिए भी लगा लिया, तो ये मेरे हमारे फेस को ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे देगा, कट्स पता चल जाएगा। जो लोग डेली डेली कुछ प्रोडक्ट नहीं ट्राई, मतलब बहुत हैवी मेकअप नहीं करते हैं ना, कभी शादी वादी में मेकअप करने लगे तो एक ही बार इतना ज्यादा उनके फेस पे लगने भी लगता है, और थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी चीजें लगा लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा फेस अच्छा दिखने की बजाय कुछ और ही दिखने लगता है। तो
इस तरह से आप सिंपल सा मेकअप करो, जो आप करते हो वही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली में जब शादी होती है तो किसी को टाइम नहीं रहता है बहुत अच्छे से मेकअप करने का। तो कुछ इस तरह से मेरा हो गया, आईब्रो फिल कर ली मैंने और कॉन्टोर भी कर लिया। ओके, तो मैंने अभी लिया है आईशैडो पैलेट, अगर आपके पास है तो लो, नहीं तो कोई भी लिपस्टिक लगाने की भी जरूरत नहीं, आईलाइनर लगा के भी हो जाएगा मेकअप कंप्लीट। तो मैं यहां से थोड़ा ब्राउन कलर का शेड ले रही हूं और थोड़ा सा आंखों पे इस तरह से। और मुझे नहीं पता था कि इस वाले आईशैडो में मिरर है, तो मैं ये मिरर ना लेने की वजह उतना बड़ा मिरर लेके घूम रही थी अभी तक। ओके, मैंने ब्राउन शेड लगा लिया। अगर उसके बाद आपके पास ऐसे कुछ ग्लिटर्स वाले हैं, अगर आई शैडो ग्लिटर वाले हैं, डेफिनेटली गो विथ ग्लिटर, क्योंकि ये रॉन्ग नहीं हो सकता। ये तो आप हल्का सा भी लगा लोगे चमकने लगेगा और सुंदर ही लगेगा। उसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। और देखो, आईलाइनर के साथ सेफ खेलना है ना, तो आप शादी वाले सीजन में ब्लैक लगा सकते हो, गोल्ड लगा सकते हो, ग्रीन लगा सकते हो, सिल्वर लगा सकते हो। ये सारे कलर कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे क्योंकि किसी भी आउटफिट के साथ चले ही जाएंगे। तो मैं सेफ खेलने के लिए मेरे पास जो ब्लैक कलर है वही लगा रही हूं मैं। आपके सारे मेकअप में ना सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज यही होगी और ये थोड़ा आपका टाइम भी ले लेगी और इससे आपका लुक क्लियर पता भी चलने लगेगा। अब लाइनर मोटा लगाना है या लाइनर पतला लगाना है ना, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि अगर आप कभी मोटा लाइनर नहीं लगाए हो ना, तो आप शादी वाले टाइम में ट्राई भी मत करो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील, अगर वो आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाओगे और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे। तो इससे अच्छा है कि आप अगर पतला लाइनर लगाते हो तो पतला लगाओ, अगर आप थोड़ा डार्क लगाते हो, प्रैक्टिस है आपको, तो डार्क लगाओ, दोनों अच्छा लगेगा। तो अब हम लगाएंगे काजल। तो काजल मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी क्योंकि ज्यादा स्मच तो नहीं होने वाला रहा, नहीं होने वाला। कोई भी एडीएस का 5 रुपए का काजल भी ले सकते हो, ये 10 रुपीज का है, जो भी है। तो हल्का सा काजल लगाओ अगर आप मोटा आई लाइनर लगाए हो तो। तो ब्लश हमारे फेस को ना थोड़ा ब्राइट कर देता है, क्यूट दिखता है। तो आपके पास ब्लशर नहीं है तो आपकी कोई पिंक कलर की लिपस्टिक ले लो। अभी तक मेरे पास ब्लशर नहीं है, मैं अभी भी ये पिंक कलर की लिपस्टिक ही यूज कर रही हूँ। तो इसको हम लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे अपने फेस पे और हम इसको हाथों से ही ब्लेंड कर देंगे, ये बिल्कुल ओवर नहीं दिखेगा। और देखिए, ब्लेंड करने के बाद थोड़ा पिंकिश दिख रहा है, बिल्कुल ओवर नहीं दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पिंक कलर की लिपस्टिक। अगर आपके ड्रेस के मैचिंग या आपका कोई फेवरेट कलर है तो बेस्ट है, आप उसको लगाओ। तो मैं ये ले रही हूँ पिंक कलर की लिपस्टिक और बहुत थोड़ा सा लगा के उसको ब्लेंड कर दूंगी। और मेकअप में ना लिपस्टिक सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप अगर कुछ भी नहीं लगाओ, सिर्फ ब्लश, लिपस्टिक, आईब्रो फिल कर लो, तो आपका आपका कोई भी मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इतना ही कर सकते हैं। अगर हमको टाइम कम है तो हम इतना कर सकते हैं और इतने पे सब अच्छा लगने लगता है। तो अभी मैं करने वाली हूँ हेयर स्टाइल, क्योंकि मेरा मेकअप डन हो गया। इसके बाद मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, आप क्लोथ से देख सकते हो। तो ये रहा मेरा मेकअप लुक शादी गेस्ट के अकॉर्डिंगली। आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ, और आपको और कैसे कैसे लुक्स चाहिए आप वो भी बताओ। अब मैं आपको क्लोज व्यू दिखा रही हूँ उसका।